Good morning to all my dear students of class 1st. Today I am here to teach you the subject moral values. So let's continue the chapter number 6, The Wise Judge. Chapter explain करने से पहले मैं आपको बता दूं, chapter में जो भी difficult word आएंगे उसकी meaning मैं आपको explanation के साथ बताती जाऊंगी. So let's continue the chapter, The Wise Judge. वाइस जज मीन्स एक बुद्धिमान न्यायाधीश. जज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यायाधीश. तो अब हम इस स्टोरी में देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर टू लेडीज हु वेयर फाइटिंग. बहुत समय पहले की बात है, दो औरतें थी. टू लेडीज मीन्स दो औरतें थी. हु वेयर फाइटिंग, जो कि आपस में लड़ रही थी. फाइटिंग मीन्स लड़ना. These two ladies had a quarrel over a single baby. तो वो दोनों औरतें किसके लिए लड़ रही थी? एक single baby के लिए, एक बच्चे के लिए लड़ाई कर रही थी, आपस में झगड़ रही थी. Both the ladies were brought before King Solomon. तो दोनों भी औरतों को कहाँ लेकर गया? लेकर गए सुलेमान राजा के दरबार में लेकर गया. तो दोनों लेडीज को, दोनों औरतों को राजा सुलेमान के दरबार में पेश किया गया. बोथ द लेडीज वेयर सेइंग दैट शी इज द बेबीज मदर. तो दोनों औरतें क्या बोल रही थी कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ. फर्स्ट लेडी सेड, तो जो पहली औरत थी उसने क्या कहा? ओ किंग, हे महाराज, आई एम द बेबीज मदर, मैं जो है इस बच्चे की माँ हूँ. द सेकेंड लेडी सेड, तो जो दूसरी औरत थी वो क्या बोलती है कि इस बच्चे की? ओ किंग, डू नॉट बिलीव हर, हे राजा, आप इस पर बिलीव मीन्स विश्वास, इस पर विश्वास मत करिए. शी इज नॉट द मदर, आई एम द मदर ऑफ द चाइल्ड. ये इस बच्चे की माँ नहीं है, आई एम द मदर ऑफ द चाइल्ड, मैं इस बच्चे की माँ हूँ. द किंग सुलेमान वॉज कन्फ्यूज, तो जो राजा था सुलेमान वो क्या हो गया? कन्फ्यूज हो गया. मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये बेबी किस मदर का है. आफ्टर अ डीप थॉट ही सेड, बहुत ही ज़्यादा गहरे सोच विचार, डीप मीन्स गहरा, सोच विचार के बाद राजा ने क्या कहा? कट द बेबी इंटू टू एंड गिव वन पार्ट टू ईच मदर. तो राजा ने बहुत देर सोचने और विचार करने के बाद क्या डिसीजन लिया कि बेबी को कट कर दिया जाए टू पीसेस में और दोनों को हाफ हाफ पार्ट दे दिया जाए, दोनों मदर्स को. गिव मीन्स देना. फर्स्ट लेडी, तो जो पहली लेडी थी, पहली औरत थी वो क्या? द फर्स्ट लेडी वो साइलेंट, तो जो पहली औरत थी वो शांत हो गई, मतलब एकदम से साइलेंट हो गई. द सेकेंड लेडी क्राइड, तो जो दूसरी औरत थी वो क्या करने लगी? रोने लगी. ओ किंग, हे महाराज, लेट शी हैव द बेबी, उसने क्या कहा कि मेरे बच्चे को, इस औरत को दे दिया जाए. लेट द बेबी लाइव, बच्चा जिंदा तो रहेगा. बेबी लाइव मीन्स जीवित रहना, जीवित तो रहेगा. द किंग गेव द बेबी टू द क्राइंग लेडी, तो राजा ने क्या किया? गेव मीन्स देना बेबी, छोटे बच्चे को, जो लेडी रो रही थी, जो लेडी क्राइंग कर रही थी मीन्स रो रही थी, उसे राजा ने बच्चा देने के लिए कहा. तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मैजिक वर्ड देखेंगे, ट्रूथ ऑलवेज विंस, तो जो सच्चाई है वो हमेशा जीतती है. सो हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? ट्रूथ बोलना चाहिए. सो लेट्स, चैप्टर इज ओवर, अब हम एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे. ए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, टू लेडीज वेयर डैश फाइटिंग सिंगिंग कुकिंग डांसिंग, द आंसर इज फाइटिंग. सेकेंड, द टू वुमेन हैड अ क्वेरल ओवर अ सिंगल डैश फ्रूट बेबी मैन किंग, द आंसर इज बेबी. थर्ड, बोथ वुमेन वेयर सेइंग दैट शी इज द बेबीज डैश डॉटर सिस्टर मदर मेड, द आंसर इज मदर. फोर्थ, द किंग सोलोमन वॉज डैश हैप्पी सैड थिंकिंग कन्फ्यूज, द आंसर इज कन्फ्यूज्ड. बी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है, देयर वेयर डैश लेडीज हु वेयर फाइटिंग, टू और थ्री, द आंसर इज टू. सेकेंड, द टू वुमेन हैड अ डैश ओवर अ सिंगल बेबी कॉम्पिटिशन क्वेरल, द आंसर इज क्वेरल. थर्ड, द सेकेंड लेडी क्राइड हो किंग
ओ किंग लेट शी हैव द बेबी लेट द बेबी लाइव आंसर्स है सॉरी लेट द बेबी डैश लाइव हैप्पी द आंसर इज लाइव फोर्थ द किंग गेव द चाइल्ड टू द डैश लेडी आंसर्स है फर्स्ट क्राइम करेक्ट आंसर है क्राइम नेक्स्ट पेज पे आ गए हम देखेंगे सी राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट फर्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर टू लेडीज हु वेयर फाइटिंग ट्रू सेकेंड बोथ द लेडीज वेयर ब्रॉड बिफोर किंग सोलोमन द आंसर इज ट्रू थर्ड किंग सोलोमन वॉज सैड द आंसर इज फॉल्स फोर्थ है द किंग डिड नॉट गिव द चाइल्ड टू द क्राइंग लेडी फॉल्स सो द एक्सरसाइज पार्ट विल बी ओवर डी देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी गिवन एज अ होमवर्क थैंक यू फॉर द टूडेज क्लास हैव अ ग्रेट डे चिल्ड्रेन